मतलब यार देखो बात ऐसी है, मैंने माल दारू ऐसे छोटे मोटे नशे सब किए हुए थे, पर कभी ऐसा फील नहीं किया भयंकर, जैसा दोस्त बताते हैं ना कि यार बहन चुप मैं सातवें आसमान पे था, और वो चार फेज होते हैं, पहले फेज में ऐसा होता है, दूसरे फेज में ऐसा होता है, मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा कभी मैंने फील नहीं किया था। और मैं हमेशा चाहता था कि ऐसा कुछ फील करूं बहन चुप, देखूं सही अपनी मतलब क्या फील होता है माइंड के दूसरे लेवल में जाने का। तो दिवाली का टाइम था, हॉस्टल में मैं और मेरे एक बड़ी रुके हुए थे, खास मित्र मतलब बड़ी, ठीक है, और थोड़े बहुत लोग और रुके हुए थे, बाकी लोग जा चुके थे दिवाली की छुट्टियों पे। और फर्स्ट ईयर का टाइम था, और फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि मैं तो एक छोटे शहर से हूँ, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो क्या लड़कियों का इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है हमको छोटे शहरों में। तो फर्स्ट टाइम ऐसे कॉलेज में आए तो देखा माहौल बढ़िया है, बंदियां मिली, बहन चो ग्रुप मिला बढ़िया। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि बंदियां ये बोले ना कि इस कटोरी में टट्टी करनी है और इस कटोरी में मूतना है, तो बंदा बहनचोद ये भी पूछेगा कि बेबी ये जो कटोरी है इसको मूत के आधा ही भरू ना फिक्स, मतलब तो ये कंडीशन होती है। तो बंदियों ने बोला भाई इस बार दिवाली हमारे साथ मनाओ, तो हमने कहा माँ की बहुचड़ी बहनचोद रुकेंगे बहनचोद रुकेंगे, तो हम बंदियों के लिए रुक गए। वैसे ये टाइम हमारे लिए केवल फर्स्ट ईयर तक था, काफी लोगों के लिए ये टाइम पूरी जिंदगी भर चलता है। तो मैं और मेरा दोस्त रुके हुए थे, तो वो गया मार्केट से कोई टैबलेट लेके आया, मैं बता नहीं सकता आपको कौन सी टैबलेट थी, ठीक है, वो गोलियां लेके आया, उसमें सात गोलियां थी ये मुझे याद है, ठीक है, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं, मतलब उसमें ऐसा लिखा था कि एक 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 गोली लो, एक गोली में बढ़िया असर हो जाएगा बढ़िया। तो हमने कहा कि लेते हैं भाई एक गोली, तो एक एक गोली ली हमने, तो कुछ हुआ नहीं, असर नहीं हुआ। तो हमने कहा बहन चोदे क्या चूतिया पाया, तो हमने कहा थोड़ा माल वाल पी लेते हैं, थोड़ा माहौल बनेगा। तो माल वाल पिया, ठीक है भैया कुछ असर नहीं हो रहा, मतलब माल का असर हो रहा है पर उसका गोली का असर नहीं हो, तो हमने कहा एक गोली और ले लेते हैं। दो दो गोली हमने ले ली थी, फिर भी कोई खास असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था, मतलब जितने एक्सपेक्टेशन थी हमारी भयंकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब ऐसा करा कि क्या करें, फिर एक गोली और ली, फिर एक गोली बची थी उसको हाफ हाफ काटा लिया, और थोड़ी देर रिलैक्स के गाने वाने सुन रहे, मतलब असर नहीं हो रहा कुछ बढ़िया। फिर हमने खोल देखा उसको, फोन किया डीलर को, भाई ये क्या जुगाड़ दे दिया तूने, बेंचो इतने पैसे भी ले लिए और मजे भी नहीं आ रहे। तो उसने बताया भाई आधा घंटा टाइम लगता है चढ़ने में। तो ठीक है, धीरे धीरे टाइम बढ़ा और हमको फील हुआ, तो हमने कहा कि भाई भूख लग रही है भयंकर। तो क्या है कि हमारे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे पिज्जा, एक पिज्जा प्लेस था, मतलब ऐसा कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं थी, मतलब ये डोमिनोज टाइप छोटा मोटा वहीं का था, पर बढ़िया अच्छे पिज्जा, अच्छा पिज्जा बनाता था। तो हमने कहा चलते, 10 मिनट की दूरी पे था हमारे हॉस्टल से, तो हमें वहां पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए, 2.5 घंटे। तो हुआ क्या कि मतलब मेरा जो दोस्त था उसको ये फील होने लग गया कि बहनचोद हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, और 1000 कुत्ते, जर्मन शेफर्ड और बहनचोद बुलडॉग, बुलडॉग मेरे को नाम नहीं पता, बहनचोद हमारे पीछे पड़े हुए हैं और उसकी गांड फट रही है, और हमको 10 मिनट की दूरी तय तय करने में 2.5 घंटे लग गए। जितनी भी गाड़ियां मिल रही उनके पीछे छुपते छुपाते हम जा रहे, मतलब हमारे दिमाग में हमको ऐसा लग रहा है कि जो कुत्ते हैं हमको सूंघ नहीं सकते गाड़ी के पीछे। बहनचोद कॉलेज की पार्किंग में बसों के अंदर घुसते हुए बड़ी मुश्किल से पिज्जा प्लेस पहुंचे, डर भयंकर। और मैं उसके साथ क्यों लगा हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो है स्पेस में है, अब धरती पे नहीं है स्पेस में है हम, और अगर मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा तो ये बहनचोद उड़ जाएगा। तो मैंने कहा यार भाई को पकड़ के रखना पड़ेगा, मजबूरी अपनी। तो 2.5 घंटे में जैसे तैसे करके अब पहुंचे पिज्जा प्लेस। अब वहां पिज्जा ऑर्डर करने की बारी आई साहब, तो उसने मुझसे पूछा ऑर्डर कि भैया क्या लोगे, और जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ ऐसी आवाज निकाली होगी, बहन जो सब लोग हमें देख रहे, और उसकी गांड पटरी मेरे दोस्त को, मैं बैठा कि मादर चोद तू मरवाएगा आज, आज तो पुलिस पकड़ेगी भयंकर। तो मैंने कहा इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, आवाज निकल नहीं रही है अपनी, तो मैंने उसको मेन्यू में पॉइंट करके बता दिया भाई ये सामान चाहिए हमको। वो पिज्जा लाया भैया, और मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या ऑर्डर किया उस दिन, और जो खाया भयंकर भयंकर खाया, ठीक है साहब, वहां से खाया। अब निकले बाहर, और जैसे ही बाहर निकले मेरा दोस्त तो जमीन पे पड़ गया, मुझे करंट आ रहा है, मुझे करंट आ रहा है, मुझे करंट आ रहा है। तो मैंने कि इसकी माँ की भोसड़ी करंट आ रहा है, करंट कैसे आ रहा है। तो अब मैं कहा इसको हाथ तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं भी चूतिया तो मैं भी था, मतलब मेरी भी चढ़ी हुई थी भयंकर, ठीक है। तो भैया
मैंने कहा इसके हाथ लगाऊंगा तो मेरे भी करंट आएगा, तो मैंने आसपास डंडा ढूंढा बहनचोद बहन का, क्योंकि यही देखा है अपन डंडा मारते हैं माँ के लंड जिसके करंट लगता है, और मैंने दिए सटा सटा, और रोए माँ के लंड माधर चोद मारेगा क्या, तो ठीक है वो सारा सीन हो रहा लोग देख रहे बहनचोद, मैंने कहा कि बहनचोद प्रॉब्लम हो जाएगी चलते हैं यहाँ से। बोलता मेरे को तो हॉस्पिटल लेके चल यार, मेरे को तो हॉस्पिटल लेके चल, मैं मर रहा हूँ, मेरे को हॉस्पिटल लेके चल। मैंने की माधर चोद नहीं मर रहा, कुछ कुछ नहीं हो रहा, असर हो रहा है कसम, क्या असर हो रहा है, मैं मर रहा हूँ मर रहा हूँ। वो साहब मान नहीं रहा भयंकर, तो मैंने कहा चल टेको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और ओला उबर मतलब बुक करने की कोशिश करी, पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करी, अब मुझसे मेरे फोन का पैटर्न ही नहीं खुल रहा, मतलब 10-15 मिनट मैं जो पैटर्न खोलने में लग गए। हमने सा पैटर्न खोला, ओला बुक करी, वो आया। पर इंडिया में सबसे बड़ी चूतियापंती ये है कि वो लोकेशन से पिक नहीं करते, माधरचोद फोन करते हैं, हाँ भैया कहाँ खड़े हो, और मेरा आंसर मैं तो भैया क्या खड़ा हूं मैं, वो भैया कहाँ खड़े हो भैया कहाँ खड़े हो, मर रहा है मेरा दोस्त जल दिया। और वो भाई साहब उसको लग रहा मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, उसने मेरे को डबल चेक, तेरी माँ चोद दूंगा बहन चोद, मैंने कहा बहन चोद तेरी माँ चोद दूंगा, उधर से ड्राइवर चल रहा है कि तेरी बहन की भोसड़ी माधर चोद, समझ क्या रखा है तूने। और मैंने कहा माधर चोद हो क्या रहा है, लड़ क्यों रहा है उससे, तो मैंने कहा कि माँ की भोसड़ी इसको बंद करता है, तो ओला वाले ने खुद नहीं कैंसिल कर दिया वो, और हमारे 50 रुपए की पेनल्टी लग गई। उसके बाद हमने ऑटो से जाना प्रेफर किया, हमने ऑटो बुक किया, उसने हालत देखी, उसने सोचा कि हॉस्पिटल जाना, उसको पता नहीं कैसे समझाया हमने कि हॉस्पिटल जाना है, तो भैया उसने हमको ऑटो में बैठाया, ऑटो में बैठ गए हम। अब मेरे दोस्त को पक्का शक था कि ये हमको सीधा जेल ले जा रहा है, ये पुलिस का आदमी है, सीधा जेल ले जा रहा है, सीधा ना कोर्ट ना कचहरी ना कुछ, सीधा अपन जेल जा रहे हैं, और बहन चो 10-15 साल की सजा होगी, और हमको हो सकता है फांसी हो जाए मतलब खतरनाक डर लगा उसने कहा, मतलब जो उसको डर लग रहा था भयंकर, वो पूरा मुझे बता रहा है कि मानचो दे हमको पुलिस थाने ले जा रहा है, पुलिस थाने ले जा रहा है, जेल ले जा रहा है हमको, और अपन मरने वाले हैं भैंचो। तो अब मेरी भी गांड तो फटी रही थी, तो मैंने कहा कि अब कैसे बचें इस सिचुएशन से, तो अब मैं उसको आपको सिचुएशन बताता हूँ हुई क्या। मैं वो इधर बैठा था, वो इधर बैठा था, मैं इधर बैठा था, ठीक है, और चलते ऑटो से, इतनी स्पीड नहीं थी, चलते ऑटो से भाई साहब उतर गए भाई साहब जो गिरा वो भयंकर भयंकर गिरा, मतलब खतरनाक ही यार, जो सीन था मैं बता नहीं सकता तुम्हें। और मैंने रोको, ऑटो वाले ने रोका, और मैंने भाई साहब ऑटो वाला मुझे गालियां दे रहा, मैं पता नहीं उसको क्या दे रहा, मैंने पर्स खोला उसको, जितने भी पता नहीं मैंने कितने रुपए दिए उसको, पकड़ा दिया। अब उसने हमको ऐसी जगह उतारा था, वहां से हमको हॉस्पिटल मतलब दिखने लग गया था, हाँ ये हॉस्पिटल, तो मैं उसको पैदल लेके जा रहा, वो रास्ते पर मेरे को करंट लग रहा है, मेरे को करंट लग रहा है, मतलब जो लोग देख रहे बहन चो भयंकर ही, लोग वीडियो बना रहे पता नहीं क्या कर रहे, करंट लग रहा है, मैं उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा। तो हॉस्पिटल पहुंचे, पर्ची वर्ची कटवाई, रूल एक ही था कि बोलना नहीं है, बोलती पता लग जाएगा उसको। और मैंने उसको बोला देख अपन ने कुछ ले रखा है ठीक है, तो उसको ये मत बोलना है ये गोलियां ली है, मान जो गांड टूट जाएगी, ऐसा करना है कि उसको ऐसा बताना कि हमने भांग ले रखी है, तो क्या है कि थोड़ा सही रहेगा मामला, इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा ठीक है। तो हमने पर्ची कटाई और हॉस्पिटल वो डॉक्टर का वेट किया, डॉक्टर आया साहब, फिर डॉक्टर चेकअप कर रहा, और डॉक्टर आपको बताऊं एकदम जो सोफिस्टिकेटेड आदमी नहीं होते, बिल्कुल आइडियल मैन, क्लीन शेव्ड ठीक है, अच्छे कपड़े, बढ़िया क्लासिक, मतलब बिल्कुल ऐसा उसको देखते ऐसा लगेगा भाई कितना क्लासिक आदमी है। तो डॉक्टर आया, चेकअप करना स्टार्ट किया, उसने बताया भैया क्या हो रहा है, उसने कहा कि मेरे को तो अजीब सा फील हो रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है करंट लग रहा है, वो पता नहीं क्या बकवास कर रहा ठीक है। तो डॉक्टर ने कुछ 10 मिनट उसका चेकअप वेकअप किया, 10 मिनट टाइम स्पेंड किया, बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा, बिल्कुल पोलाइटली जो बात करते हैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा कुछ ले तो नहीं लिया भाई, तो मेरा दोस्त बोलता कि वो डॉक्टर साहब थोड़ी भांग ले ली थी, डॉक्टर भग भोसड़ी के माधर चोदो बहन के लोड़ो भगो माधर चोदो यहां से भांग लेके माँ चुदाने आ जाते हो यहाँ पे अपनी। भाई साहब उसके मुंह से जो भयंकर गालियां लग रही, और हम भगे वहां से, मैंने कहा ये बुलवाएगा किसी सिक्योरिटी वगैरह को, ठोकेंगे, और हम भगे वहां से। फिर जैसे तैसे करके रूम पे आए, फिर खाना ऑर्डर किया, खाना खाया भयंकर, मतलब ऐसा दिन था, मतलब खतरनाक दिन था वो, खतरनाक ही। तो अगर आपका विचार हो कभी ऐसे ड्रग्स वग्स लेने का, तो मेरी सलाह तो यही है कि मत लेना, और अगर फिर भी आपको लेना हो तो भैया ऐसा करना कि बढ़िया म्यूजिक लगा के अपने रूम में, और खाने वाने का सिस्टम बढ़िया रखना
ठीक है, और पहले से ऑर्डर कर लेना और खूब मजे करना। ओके बाय बाय।